हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली डिस्कस करते हैं और पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू न्यूज़पेपर से, सब जगह से हम जो है ये रेफरेंसेस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एमसीक्यू लेक्चर, और सुबह वाले लेसन के साथ ही आप इसको कंबाइन करके देखिए। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है। इन कोर्सेज रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चैट सेक्शन यहाँ पर है और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर समिट। हेलीकॉप्टर समिट जो है वो क्या कंट्री का पहला हेलीकॉप्टर समिट है जो कि शस्त्रधारा हेलीड्रोम पे हुआ है जम्मू के अंदर। तो देखिए, शस्त्रधारा हेलीड्रोम जो है वो बिल्कुल सही है कि वहीं पर ये पहला इस टाइप का जो है हेलीकॉप्टर समिट हो रहा है, और ये उत्तराखंड में हो रहा है, देहरादून के अंदर। तो जम्मू इसका आंसर नहीं है, ये गलत है। और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसने किया है। और स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के उसके साथ में है और फिक्की भी इसके साथ में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों इसमें गलत हैं, डी नन इसका आंसर होगा। और इसमें देखिए, जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, उसको भी रियलाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिली एरिया है और यहाँ पर ये ट्रेवल बहुत आसान एक तरह से कर देता है उनकी यात्रा को, जो कम घंटे लगते हैं, वरना तो 20, 22, 25 घंटे भी लग सकते हैं उन्हें ऊपर के एरियाज में लोगों को पहुंचने के लिए। दूसरी बात है, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो सब कुछ हैं, उनके लिए भी सीनिक जो लोकेशंस हैं वहां पर भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये हेलीकॉप्टर समिट बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हो रहा है, और जो है देहरादून के अंदर, वहां पर है शस्त्रधारा हेलीड्रोम, जम्मू में नहीं है। तो इसका आंसर डी, नन है। नेक्स्ट, कौन सी स्पीशीज़ जो है जिसके लिए अभी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो भी चलाया गया है। देखिए, अभी न्यूज़ आई है कि आज जो स्टार्ट हो गया है क्या COP 14, जो कि UNCCD का है, उसके अंदर पता लगा कि डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी जो स्पीशीज़ जो है जो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे चीता इंडिया में मिलता था पहले, लेकिन अब चीता नहीं मिलता है, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ऐसे ही दूसरा एक जानवर है, सॉरी, जो पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बहुत भारी पक्षी है, गोडावन इसको बोलते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान का राज्य पक्षी भी है गोडावन। लेकिन जो है ये अभी पूरा एक्सटेंशन के कगार के ऊपर है, और कुछ ही, मतलब 100 से भी कम इनकी जनसंख्या जो है वो वेस्टर्न पार्ट में बची है, डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ पर है जैसलमेर में, वहाँ पर बची है। और 75% इनका जो नंबर है वो पावर लाइन्स में, जो बिजली के तार होते हैं, उनसे उनके अंदर अटक कर और करंट खाकर मर गए। तो ये भी एक बड़ा इशू है। इसके रिगार्डिंग अभी कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है ब्रीडिंग वाला वो चलाया गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ये बहुत यूनिक एक पक्षी होता है, बहुत भारी होता है ये देखिए, जो उड़ सकने वाला सबसे भारी ये पक्षी है। और ये NGT की जो एक बेंच थी, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि एक टाइम बाउंड और एक प्रोग्राम चलाइए एक ब्रीडिंग का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को ये काम करना है, तो ये कमेटी भी इसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम का है? देखिए नहीं, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर 5 सोशल इकोनॉमिक थीम्स होती हैं, बिल्कुल सच है, और इसके हिसाब से डेवलपमेंट देखते हैं, और ये देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके हिसाब से उसको फिर वो प्रायोरिटाइज करते हैं। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कि ये ज़्यादा बैकवर्ड हैं इन थीम्स के अकॉर्डिंग, और इनको डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये इनको एस्पिरेशनल कैटेगरी में डाला जाता है और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अभी NCPCR जो है, जो चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट काउंसिल है, वो विजिट कर रहा है अलग अलग शहरों के अंदर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहाँ पर कोई इशू एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ये सब जो चल रहे हैं। तो ये न्यूज़ आई थी, आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ADP है, नीति आयोग का है, तो ये गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम्स हैं इसमें। तो इसका आंसर होगा ओनली 2। ये देखिए, इसमें दे रखा है और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करते हैं, और ये 5 इसमें जो मेन थीम्स हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट। तो ये इस तरह से इसमें 5 थीम रहती हैं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक ही है, और एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज ये भी एक है, और एजुकेशन, फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट, ये 5 थीम है। नेक्स्ट, स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स जो है वो क्या है? क्या ये एयर एक्सरसाइज है? क्या ये मिलिट्री ड्रिल है? क्या ये डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है? या फिर ये मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज है? देखिए, 2005 से चल रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज है। ये विशाखापट्टनम में इस बार हो रही है, और वहाँ पर अपने जो इम्पोर्टेंट फ्लीट जो है श्रीलंका ने भेजे हैं। तो इस स्लाइनेक्स जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कल से होने वाली है, और इसमें 323 नेवी पर्सनल आएंगे श्रीलंका से, और इन्होंने अपनी जो एक तो सुरानी वाला है और SLNS सिंधुराला, ये 2 भेजी हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ पर विशाखापट्टनम में होगा। नेक्स्ट, टू अचीव द GDP ऑफ $5 ट्रिलियन,
इंडिया इसका गोल बना चुका है 2024-25 तक का, और उसके लिए क्या इंडिया को 100,00,000 करोड़ रुपए या फिर 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो क्या खर्च करना है, क्या ये लिमिट सेट की गई है। देखिए अनाउंसमेंट में बोला गया था, प्रधानमंत्री जी का जो लाल किले से हुआ था उसमें ये चीज़ बोली गई थी, वो बिल्कुल सच है कि 100,00,000 करोड़ रुपए जो है हमें कम से कम यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि लास्ट 10 सालों के अंदर हमारा सिर्फ 1.1 ट्रिलियन डॉलर उतना ही हमने खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो एक बड़ा इशू है। और इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एस्टैब्लिश की है, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसको बोला जा रहा है, लेकिन इसको चेयर जो है वो CEO नीति आयोग नहीं करेंगे, तो इसका एक मेंबर है, इसको करेंगे सेक्रेटरी करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं, इसके सेक्रेटरी इसको चेयर करने वाले हैं, तो वो इसको देखेंगे। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन हेड कर रहा है, किसका ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है, तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, और नीति आयोग के जो जो चेयरमैन है वो इसके मेंबर होंगे, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, ओनली वन इसका आंसर होगा, ये गलत है। ये देखिए ये है 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इंडिया को इसमें स्पेंड करने हैं, और 1.1 ट्रिलियन डॉलर पिछले 10 साल में हमने खर्च किए हैं, तो मतलब उससे ज़्यादा हमें 5 साल में करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा टारगेट पूरा होगा। और ये जो डिटेल है ये देखिए ये सारे हैं इसमें दे रखे हैं, ये चेयर हैं यहाँ पर, ये मेंबर हैं बाकी सारे। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो यहाँ पर दी हुई है PDF आपको मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ लेना, ज़रूर से पढ़ना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। नेक्स्ट है सहरिया ट्राइब, एक आज न्यूज़ भी आई है, पहले भी आई थी 3 दिन पहले, जिसमें सहरिया के बारे में बोला गया था कि TB से बहुत ग्रसित ये हैं, और एक ट्राइब है ये राजस्थान के साउथ पार्ट में और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ये सहरिया ट्राइब मिलती है, ये सेंट्रल हिल्स जितनी भी हैं इंडिया में, ये जो विंध्याचल पूरा यहाँ पर काफ़ी ट्राइब्स मिलती हैं, तो उनमें से एक हैं और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ 75 जो हैं कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि PVTG में आते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही बैकवर्ड है, और आज भी वो बिल्कुल ऐसे जो घुमंतु जीवन भी जीते हैं, और एग्रीकल्चर भी उनका कोई एडवांस नहीं है, कोई भी मेन स्ट्रीम में उनका डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा कुछ बड़ा जो है पार्टिसिपेशन नहीं है, और बिल्कुल ही वो बैकवर्ड है, तो वल्नरेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही है, स्टैग्नेंट हो गई है, और कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, तो ये PVTG के कैटेगरी में आते हैं, तो सहरिया उसमें एक आती है, राजस्थान की एक ही PVTG है वो सहरिया ही है। तो ये स्नेक चार्मर्स नहीं होते हैं, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलते हैं, गलत है पहला, दूसरा सही है क्योंकि PVTG में आते हैं, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। आज एक और इशू इन्हीं के रिगार्डिंग न्यूज़ में फिर से आया है, तो ये देखिए ये वाले जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में हैं वहाँ पर ये मिलते हैं, ये मेल न्यूट्रिशन से भी ग्रसित हैं, पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही है, TB बहुत ज़्यादा इनमें मिलती है, और बहुत परेशानी इनको हुई है पास्ट के अंदर, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट 1,00,000 लोगों के ऊपर जो हमारा TB का नेशनल एवरेज है, क्या वो 204 लोगों का है, क्या लाख में से 204 लोगों को ऑन एवरेज TB इंडिया में है, तो बिल्कुल सही है, यही हमारा नेशनल एवरेज है, और इस जो सहरिया वाले जो न्यूज़ आई थी उसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन भी द हिंदू में छपी थी कि उनका जो है लगभग 195 है, तो नेशनल से तो कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और काफ़ी लोग TB से ग्रसित होकर मर रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इंडिया ने टारगेट बनाया है और WHO ने भी बना रखा है, WHO ने 2035 का टारगेट बना रखा है, लेकिन इंडिया ने एंड TB स्ट्रेटेजी 2025 के लिए बनाई है, जो बहुत एम्बिशियस गोल है, वो WHO का 2035 का है, तो ये आप ध्यान रखना, तो ये गलत है स्टेटमेंट, पहला सही है दूसरा गलत है, ओनली वन इसका आंसर होगा। ये देखिए ये इसमें दे रखा है कि कैसे 2035 का जो टारगेट बना रखा है उसके अंदर भाई बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जहाँ पर ये डेंस है बिल्कुल गरीबी है पॉवर्टी है और नॉलेज नहीं है अवेयरनेस नहीं है वहाँ पर TB जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है और इससे निपटना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग SED, ये क्या दिसंबर 2010 में नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के बीच में एस्टैब्लिश हुआ था। देखिए एक चीज़ याद रखिए 2010 में तो नीति आयोग था ही नहीं, तो अभी जो इसकी मीटिंग है नीति आयोग और NDRC के बीच में होती है, लेकिन उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन था उसने ये एस्टैब्लिश किया था, तो प्लानिंग कमीशन और NDRC के बीच में ये स्टार्ट हुआ था जब वेन जियाबाओ प्रेसिडेंट थे और वो इंडिया के विजिट पे थे तब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा सही है, 6th इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो न्यू दिल्ली में चल रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस फेज के अंदर इंडिया चाइना के बीच में डायलॉग होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग है, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। और ये था आज का लेसन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है,
इसमें आंसर देखिए गलती से इसमें हाईलाइट हो गया है, ये लेक टेंगानिका जो है ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और तंजानिया को, इन दोनों देशों को अलग करती है। मैप में हम देखेंगे, ये देखिए ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कैपिटल है यहाँ पर, और ये रवांडा बुरुंडी दो छोटे छोटे देश है, लेकिन ये तंजानिया है, तो लेक टेंगानिका ये वाली है, ठीक है, ये इसको अलग करता है। तंजानिया और मलावी को ये लेक मलावी अलग करता है यहाँ पर, और ये युगांडा और तंजानिया को लेक विक्टोरिया अलग करता है। तो ये डिटेल बड़े इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर के पास में है सारे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमेजिंग।